का क्या लोगे, उसे जान से मारने का क्या लोगे, बस दो दिन की तो बात है, बस यही रुकने की तो बात है। हाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल, होपफुली यू ऑल वुड बी गुड। तो आज के एडवांस इंग्लिश सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, जैसे हम अधिकतर कहते हैं चुप रहने का क्या लोगे, वहाँ जाने का क्या लोगे, उसे जान से मारने का क्या लोगे, पढ़ाई करने का क्या लोगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। और आज का हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस है, बस एक दिन की तो बात है, बस एक घंटे की तो बात है, बस यहाँ आधे घंटे रुकने की तो बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, अब सच बोलने का क्या लोगे, वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट लिखते हैं, आफ्टर दैट विल। व्हाट और विल फिक्स है, हमेशा हर जगह आएगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वैसे तो तुम होगा, तुम वहाँ जाने का क्या लोगे, तुम ये करने का क्या लोगे, लेकिन हम किसी अदर सब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिख दिया है कि जो सब्जेक्ट होगा उसे हम लिखेंगे व्हाट विल, प्लस जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे। फिर टेक वर्ब का यूज़ मेन वर्ब की तरह करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसलिए टेक हमने फिक्स कर दिया है। प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, व्हाट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का हम यूज़ करेंगे। और आज का हमारा सेकेंड सेंटेंस है, बस 50 रुपये की ही तो बात है, बस दो दिन की ही तो बात है, बस साथ चलने की ही तो बात है। कोई वर्ब भी आ सकता है और कोई नाउन वगैरह भी हो सकता है, बस यहाँ रुकने की ही तो बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आपका कोई नाउन हो सकता है कि दो दिन की बात है, चार दिन की बात है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे मैटर ऑफ फोर डेज। और अगर कोई वर्ब होगी तो एनजी फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब है दो में और दो में हमारा नाउन है, तो जब नाउन होगा तो मैटर ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन लिख देंगे, और अगर कोई वर्ब होगी तो वर्ब को एनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट है चुप रहने का क्या लोगे, देन फर्स्टली व्हाट, आफ्टर दैट विल, व्हाट विल यू। और जब कोई सब्जेक्ट मेंशन ना किया गया हो, वहां जाने का क्या लोगे, ये करने का क्या लोगे, तो हमेशा सब्जेक्ट हमारा यू होगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है कि वहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है। और जब अगर मेंशन कर दिया गया है कि वह वहां जाने का क्या लेगा, तो फिर वह लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम यू को ही मानेंगे। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू कीप क्वाइट। तुम यहां से जाने का क्या लोगे, देन फर्स्ट व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक टू गो, यहां से फ्रॉम, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। अब सच बोलने का क्या लोगे, अब मीन्स नाउ, what will you take सच बोलने का, सच बोलने के लिए हम speak the truth का use करते हैं, what will you take to speak the truth। वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ पर subject वे आ गया है, तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे, they, means subject हमारा they होगा। then firstly what will, सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, दे, व्हाट विल दे टेक, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म जान से मारना। आप जानते हैं ऐसे मारने के लिए हम बीट का यूज करते हैं, लेकिन किसी को जान से मारने के लिए हम किल का यूज करते हैं। व्हाट विल दे टेक टू किल, उसे, टू किल हिम। नेक्स्ट इज, तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम सेकेंड सेंटेंस को करते हैं। सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, पहला, बस 50 रुपए की ही तो बात है। फर्स्ट, इट्स
ओनली अ मैटर ऑफ क्या है? अदर वर्ड्स में नाउन है, 50 रुपये का, 50 रुपीज। बस 2 दिन की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 डेज। नेक्स्ट इज बस साथ चलने की ही तो बात है। देन फर्स्ट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, अब वर्ब है साथ चलने की, तो वर्ब एनजी फॉर्म चलना गोइंग, साथ टूगेदर। नेक्स्ट इज बस यहां रुकने की ही तो बात है। देन फर्स्ट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, रुकना वर्ब है तो एनजी फॉर्म में लिखेंगे, रुकना होता है स्टे, एनजी फॉर्म स्टेइंग, यहां हियर। तो माय आल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट, चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। तुम यहां से जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। अब सच बोलने का क्या लोगे, नाउ व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रुथ। वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे, व्हाट विल दे टेक टू किल हिम। स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, व्हाट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस टेक टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है तो हमेशा हम यू को लेंगे, और अगर बता दिया गया है कि उसे मुझे कुछ भी, तो फिर हम सब्जेक्ट जो होगा उसे लिख देंगे। जैसे पहले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं था तो हम यू लिए हैं क्योंकि यू अंडरस्टूड है। सेकंड में तो कर बता दिया गया है तुम, तो यू आ ही जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं भी दिया गया है तब भी आएगा, अगर दूसरे सब्जेक्ट को नहीं बताया गया है तब। और आज का सेकंड सेंटेंस है, बस 50 रुपए की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 50 रुपीज। बस 2 दिन की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 डेज। बस साथ चलने की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टूगेदर। बस यहां रुकने की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग हियर। और उसका स्ट्रक्चर यूज होगा, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कोई नाउन होगा तो हूबहू नाउन को लिख देंगे, अगर कोई वर्ब होगी तो एनजी फॉर्म में यूज करेंगे, गोइंग कमिंग टीचिंग रीडिंग जो भी होगा वो। तो आज के ये दोनों सेंटेंसेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन राइट योर प्रॉब्लम डाउट इन कमेंट बॉक्स, एज सून एज इट इज पॉसिबल आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय टू ऑल।